हल्का सा भी अगर मैं एक कट भी करूँगा तो उसको भी सेंस करेगा ये। हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद माउस का जो स्क्रॉल होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम करने लगता है फ्रेंड्स। कभी कभी फ्रेंड्स ये अटक अटक के काम करता और कभी तो ये बिल्कुल वर्क करता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नया माउस लेने के चक्कर में इस स्क्रॉल प्रॉब्लम की वजह से, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक यूनिक और बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने माउस को फटाफट रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको माउस जो आपका होगा उसको आपको ओपन कर लेना है। तो इसका पीछे यहाँ पे स्क्रू होता है, उसको आपको ओपन कर लेना है। आपको यहाँ से इसको अलग कर लेना है क्योंकि इसका सर्किट जो है हमें बाहर निकालना है और इसके स्क्रॉलिंग व्हील तक पहुंचना है। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैंने निकाल दिया है स्क्रॉल इसका। ये जो बाकी की चीज़ें इसको साइड कर देते हैं और जो मेन सर्किट है इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखिए अभी ये स्क्रॉलिंग व्हील ही बिल्कुल अलग हो गया है। तो इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूटा नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका सर्किट आप देख रहे हैं, ये जो फ्रेंड्स सर्किट होता है यहाँ पे जो सेंसर का जो सर्किट होता है इसमें, इस फ्रेंड्स जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी इसी को कैसे इसको सही करें वो मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पे सही करने के लिए आपको एक लेनी एयरबड लेनी है। मैंने यहाँ पे एयरबड मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे की कॉटन को एक माचिस की तीली पे लपेट करके इसको रेडी कर लिया है। एयरबड की तरह लग रही है। और यहाँ पे मुझे ले लेना थोड़ा सा पेट्रोल। एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा शीशी में पेट्रोल लेके भी आया हूँ। तो इस पेट्रोल को आप इसमें डिप कर लीजिए, इस जो आपकी बेड है एयरबड इसको डिप कर लीजिए और इस पेट्रोल को आपको इस सर्किट है इसमें लगा देना है। और लगाने के बाद फ्रेंड्स एक जैसे की एयरबड आपने लगा दी, अभी आप इसको साइड कर दीजिए और लगाने के बाद ये जो स्क्रॉलिंग व्हील है इसको यहाँ पे लगाना है। स्क्रॉलिंग व्हील जब लगाने के बाद आपको 20 बार स्क्रॉल करना है, मतलब कि आपका 10 सेकंड में 20 बार स्क्रॉल हो जाएगा ये। तो ऐसे करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 जैसे कंप्लीट होंगे उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे इसमें पेट्रोल लेना है और लेने के बाद फिर से दोबारा से आपको इस पे लगाना है। यहाँ पे ये पूरा आपको भिगो के रखना है इसको, क्योंकि पेट्रोल धीरे धीरे भीग के उड़ जाएगा। और फिर से इसको 20 टाइम्स करना है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान ही देना है कि जब आप ये करें तो आपको इसको बिल्कुल अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से निकाल के रखना है। तो आपको ये स्टेप कितनी बार करने हैं, ये स्टेप आपको 6 बार करने हैं फ्रेंड्स। यानी कि ये जो सारे स्टेप हैं आपके एक मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 10 सेकेंड में यहाँ पे 20 टाइम आराम से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये अब मैं इसको लास्ट टाइम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब फ्रेंड्स ये हमने इस पे काम कर दिया है। अब हम चलिए तो यहाँ से कॉटन से मैं यहाँ पे जो भी है एक्स्ट्रा थोड़ा सा क्लीन भी कर देता हूँ। और अब फ्रेंड्स एक इसमें एक चीज और करनी है आपको, एक पतला सा स्क्रू ड्राइवर लेकर के, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटी सी पत्ती है, इसको यहाँ से थोड़ा सा अंदर सा प्रेस करने की जरूरत है आपको। हल्का सा ऐसा करके प्रेस कर दीजिए, ये देखिए ये प्रेस हो गया। ये हल्की सी प्रेस करनी है ताकि इसका जो व्हील अंदर से है ना ये पूरा का पूरा से चिपका रहे, जिसकी वजह से सर्किट में टचिंग होती रहे। जैसे आप इसको टाइट करेंगे ना थोड़ा सा स्क्रॉलिंग व्हील भी आपका कट 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 टाइप की वो चीज़ करने लग गया। तो ये चीज़ भी करना है आपको। तो ये दो चीज़ करनी है और एप्रोक्स आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट में ही सारे स्टेप कंप्लीट हो जाने हैं। और फ्रेंड्स आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं इसका यूएसबी यहाँ पे लगा देता हूँ। और ये देखिए मैंने पहले से यहाँ पे ओपन किया था मेरा जो हेलो करके मैंने एक गूगल पे सर्च किया हुआ था। तो फ्रेंड्स अभी देखिए आप देख रहे हैं बहुत ही, देखिए कितना अच्छा स्क्रॉल कर रहा है, पूरा ओके हो चुका है ये, बिल्कुल बढ़िया। हल्का सा भी अगर मैं एक कट भी करूँगा तो उसको भी सेंस करेगा ये देखिए। और पहले ये पूरा करने पे भी कुछ नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और बने रहिए चैनल पे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।